हाय, मैं डॉक्टर ज्योति और मैं आज बात करने जा रही हूँ सर्दियों में जो कॉमन इलनेसेस हम लोग फेस करते हैं या हमारे आसपास बहुत से लोग फेस करते हैं, और उसमें होम्योपैथी आपको कैसे हेल्प कर सकती है आपके सिम्टम्स को रिलीव करने में, आपको बेहतर महसूस कराने में, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है एस्मा। एस्मा जिसको दमा भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, सर्दियों का जो कोल्ड एयर है, कोल्ड और ड्राई एयर, वो क्या करता है आपके एयरवेज को और ज़्यादा इन्फ्लेम कर देता है, और ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से खांसी बढ़ जाती है और सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो इसमें क्या कर सकती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, इसमें जो है आपकी सांस लेने को आसान कर सकती हैं, खांसी कम कर सकती हैं, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है एयरवेज़ की और जो म्यूकस प्रोडक्शन है एयरवेज़ की उसको बेटर कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं बेसिकली। और ये होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको पता है आपको एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही लेनी है, अपने आप प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, क्योंकि अपने आप प्रिस्क्राइब की गई दवाइयाँ बहुत डेंजरस साबित हो सकती हैं। दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो आपके जो इन्हेलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसको करते हैं, इसकी यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकती हैं ये होम्योपैथिक दवाइयाँ। दूसरी समस्या जो आती है वो है फ्लू की समस्या। तो फ्लू में की समस्या से जो पीड़ित है वो प्रेग्नेंट वेमेन ज़्यादा हो सकती हैं, एल्डरली लोग ज़्यादा हो सकते हैं, बच्चे या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिसके जिनके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो फ्लू से पीड़ित ज़्यादा हो सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर, स्टफ़ी नोज़ या रनिंग नोज़ और बॉडी एक हेडेक। इसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ अपना असर दिखाती हैं। इसमें प्रिवेंटिव भी है कि आपको फ्लू से प्रिवेंट करके रखें और फ्लू के सिम्टम्स को मैनेज करके रखें, ऐसी दवाइयाँ भी हैं। बट अगेन, प्रिस्क्रिप्शन एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ही लेना है, अपने आप प्रिस्क्राइब नहीं करना है। अगली समस्या जो कॉमनली होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज़ वेरी कॉमन। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइनो वायरस की प्रेवलेंस ड्राई और कोल्ड वेदर में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जिसकी इम्यूनिटी कम होगी वो उसको अटैक कर देगा। ओके, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और आप जल्दी जल्दी पीड़ित होते हैं सर्दी जुकाम से, खांसी से, तो आपको होम्योपैथिक दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवानी चाहिए। और ये क्या करेगी, आपके जल्दी जल्दी बीमार पड़ने की जो टेंडेंसी है उसको कम करेगी, आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। तो और कॉमन कोल्ड के जो जनरल सिम्टम्स है, जिसमें स्टफ़ी या रनिंग नोज़ हो सकती है, थोड़ा सा फीवर भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है कोल्ड के साथ, ये उन सबको रिलीव करती हैं। सर्दियों में कंजंक्टिवाइटिस यानी आई के इन्फेक्शन की, एक प्रकार का इन्फेक्शन है आई का, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है। इसमें इसको पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आई का कलर मोस्टली रेडिश या पिंकिश हो जाता है। आईज इसमें इरिटेटेड हो जाती हैं, इची हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और ये किसी भी कारण से हो सकता है, किसी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या किसी भी इरिटेंट से हो सकता है। तो इसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है कारगर साबित होती हैं, आपकी इरिटेशन को कम करेंगी, आई की इचिंग को कम करेंगी, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। और अगर आप रेगुलरली एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर लेंगे, तो इसकी रिपीटेड टेंडेंसी, अगर आप में है कंजंक्टिवाइटिस बार बार होता है, तो उस टेंडेंसी को भी ट्रीट करेंगे। सर्दियों में आप पाएंगे कि ईयर इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिडिल ईयर में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। क्यों होता है? बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है, तो जिसकी वजह से मिडिल ईयर में फ्लूइड बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? ईयर में पेन होगा, ईयर में इचिंग होगी, और हो सकता है कुछ लोग वर्टाइगो भी एक्सपीरियंस करें। तो इस इन्फेक्शन होने की संभावना को कम करती है होम्योपैथिक दवाइयाँ। और जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, लाइक पेन है, फ्लूइड बिल्डअप है और इचिंग है और वर्टाइगो है, इनको रिड्यूस करती हैं। पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान अगली चीज़ है कोल्ड सोर्स। इसमें क्या होता है, लिप्स के आसपास फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बन जाते हैं सर्दियों में, तो इसमें भी होम्योपैथिक दवाइयाँ उस फ्लूइड को सुखाती हैं, ब्लिस्टर्स बनने की संभावना को कम करती हैं, इचिंग और पेन अगर वहाँ पे है तो वो भी रिड्यूस करती हैं। ध्यान।
जो अगली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जेन्युइनली एक सीरियस मैटर है और मजाक का विषय बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग जो है सीजनल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और इसमें ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक जाके डॉक्टर से हेल्प नहीं मांगेंगे, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। अपने फीलिंग्स, अपने इश्यूज सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जो आपको पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं, जो आपके इस इशू का मजाक बनाते हैं उनसे और नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों से दूर रहें। अब सीजनल डिप्रेशन क्या है? एक तरीके का परसिस्टेंट लो मूड है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में आता है। विंटर में इसके आने की संभावना बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपको जो एक्टिविटीज़ जिसमें आप प्रीवियसली इंटरेस्टेड थे, सच एज डांसिंग आपको अगर पसंद है तो आपको वो भी करने का मन नहीं करता है। आपको विंटर की वजह से बहुत लो फील होता है, परसिस्टेंटली लो फील होता है, और ये ओकेशनल बाउट्स ऑफ सैडनेस से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हो सकता है कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सैडनेस में ऑल्टरनेट विद हैप्पीनेस। वन मोमेंट यू मे फील ऑल राइट, वन मोमेंट यू मे फील लाइक गिविंग अप ऑन ऑल द थिंग्स, लेकिन जो भी सिम्टम्स है ये आपको डॉक्टर से जाके डिस्कस करने चाहिए। हो सकता है ये आपको ओवर स्लीपिंग पे फोर्स कर दे, ओवर ईटिंग पे फोर्स कर दे, ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाइयाँ मेंटल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती हैं, और मेंटल स्फेयर के साथ साथ ये आपका फिजिकल स्फेयर भी कंसिडर करती हैं कि डिप्रेशन के साथ साथ फिजिकली और कौन कौन से सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। तो जाइए और हेल्प लीजिए, बिकॉज हेल्प के बिना यू कांट हील योर मेंटल इलनेस, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सीकिंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। प्लीज स्पीक, बिकॉज ओनली स्पीकिंग कैन हेल्प। अगली चीज़ है माइग्रेन। ये एक प्रकार का सर दर्द है, और कोल्ड एयर जो है बहुत लोगों में एक एग्रेवेटिंग फैक्टर बन जाता है, यानी बहुत लोगों में ये माइग्रेन को वर्स कर देता है, माइग्रेन की समस्या को बढ़ा देता है। तो विंटर्स में बहुत लोगों का कोल्ड टेम्परेचर की वजह से माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। तो इस कॉजेशन को या इस एग्रेवेटिंग फैक्टर को कंसिडर करते हुए और आपकी पूरी होलिस्टिक केस टेकिंग करते हुए, ताकि होलिस्टिक हीलिंग हो सके, होम्योपैथिक दवाइयाँ अपना काम करती हैं। अगेन, गेट देम प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। बहुत लोगों को आर्थराइटिस की समस्या रहती है, या जनरल बॉडी पेन्स या जॉइंट पेन्स रहते हैं, जो कि सर्दियों में काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगेन, हो सकता है कोल्ड एयर या कोल्ड टेम्परेचर उनमें एज एन एग्रेवेटिंग फैक्टर, समस्या को बढ़ाने वाले फैक्टर का काम कर रहा हो। इसी कंप्लेन के साथ अपने एक आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और वो जो रेमेडीज़ देगा उससे आपको दर्द में राहत मिलेगा, जॉइंट के या पूरी बॉडी के सूजन में राहत मिलेगी, और साथ ही साथ अगर आपको अकड़न रहती है, जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस एक कॉमन सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आप दर्द से कम पीड़ित होंगे तो आप अपने काम अपने आप कर सकते हैं, तो ये आपकी जो एक तरीके की डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरे पे, जो आपको बहुत दुख देती है मेंटली एंड इमोशनली, वो भी होम्योपैथिक दवाइयों के कारण कम हो सकता है। हार्ट की समस्याएं और हार्ट अटैक बहुत बढ़ जाते हैं विंटर्स में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट अटैक के, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अजीब सा फील हो रहा है और एक पिक्यूलियर पेन चेस्ट में या पिक्यूलियर सेंसेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। और आपको जो है लेफ़्ट साइड शोल्डर में अगर पेन है, ऐसा अगर फील हो रहा है अचानक से, जो कि बहुत टाइम से नहीं था, और एक पिक्यूलियर सेंसेशन, या कहीं भी कोई चेस्ट के ऊपर कोई अम्ब्लाइकस के ऊपर कोई भी परसिस्टेंट पेन है कुछ टाइम से, तो आपको एक बार इमरजेंसी में चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज हार्ट अटैक इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। लेकिन हार्ट को ठीक रखने के लिए आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, ताकि आपको हार्ट अटैक की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जैसा हार्ट की वेलबींग विंटर्स में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी विंटर्स में बहुत बढ़ जाती है, तो आप हार्ट अटैक का शिकार ना हो इसीलिए जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो टाइम पे लें, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को साथ में चला सकते हैं।
होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ कुछ चीज़ों को आपको खुद भी ध्यान रखना है। इन्फेक्शन से बचने के लिए रेगुलरली वार्म वाटर से नहाएं धोएं बाद में एक प्रॉपर, अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें, और दूसरा सर्दी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप लेयर्स में कपड़े पहने। लेयर्स में कपड़े पहनने से क्या होता है, बीच में जो एयर दो कपड़ों के बीच में होता है वो भी एक तरीके की आपको वार्म्थ देने का ही काम करता है। तो लेयर्स में ड्रेसअप होने की कोशिश करें, और साथ साथ ये ध्यान रखें कि अगर आपको खांसी है, ज़ुकाम है, तो आप अपना हमेशा हैंडकरचीफ से माउथ कवर करके स्नीज करें या कफ करें, या किसी को स्नीजिंग या कफिंग की परेशानी है तो उससे थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, या किसी को ऐसा कोई इन्फेक्शन है जो आपको भी फैल सकता है तो उससे भी थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखें। ये थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा सेफ डिस्टेंस, सो डोंट टेक इट नेगेटिवली, बस अपनी और दूसरे बंदे की प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए ही आप ये कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें या ईमेल एड्रेस पे ईमेल करें। आई विल रिप्लाई एज सून एज आई गेट योर डिटेल्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड शेयर इट, सो दैट आई कैन बी एनकरेज्ड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।